एक समय की बात, मैं कॉलेज से वापस आई तो बाबा ने मुझे बताया कि एक उनके दोस्त ने बड़ा अच्छा गाना गाता। तो मैंने मेरे फादर से पूछा कि कैसे, क्या गाना गाते हो? कहले हिम्मत वाले हैं। मैंने कहा क्यों? कहले गाना ना कुछ नहीं आता, बस शो ऑफ करते हैं। तुमको अगर वो तकलीफ उठानी हो तो उनका गाना सुनो। और बहुत ही ज्यादा विनोदी इंसान थे, और वही स्वभाव बाबा मामा का था। हर एक चीज से वो विनोद से ठीक करते थे। बाबा का बहुत स्वभाव सूझबूझ से भरा हुआ था। एक साहब थे, उनको बहुत चिपके हुए थे। अब उनको क्या कहें, तो उनसे कह दिया कि भाई तुम देखो इस वक्त माता जी के पास जाओ, वही तुमको सब कुछ कर देंगे। तो वो आए मेरे पास, तो मुझसे कहने लगा कि माता जी आपने मुझे बुलाया? मैं कहा नहीं तो बाबा। बाबा मामा ने कहा, मैं समझ गई इनकी खोपड़ी में कुछ खराबी हो गई। क्या कहा बाबा मैंने? कि तुमको माता जी ने बुलाया। तो मैंने कहा देखो दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको शैतान बुलाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको भगवान भी बुलाता है। तो उन्होंने कहा तुमसे कहा कि मैंने बुलाया तो इसका मतलब तुमको भगवान ने बुलाया? कहले हाँ। मैंने कहा भगवान कब बुलाता है? कहले ये तो पता नहीं माता जी, इसलिए कि आपका दिमाग खराब है वो ठीक कौन करेगा, भगवान ही कर सकता है ना। शैतान तो नहीं कर सकता, वो तो और दिमाग खराब करेगा। इस तरह से हमारे पिताजी में और हमारे भाई में दोनों में एक गुण था कि सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो विनोद से करें। न तो मेरे पिताजी कभी गुस्सा होते थे, नहीं बाबा मामा कभी नहीं, बाबा मामा कभी गुस्सा नहीं होते थे, उनमें गुस्सा करने की शक्ति नहीं थी शायद। और सबका ख्याल, सबके साथ रहना, जब से सहयोग में आए वो मेरे घर नहीं ठहरते थे, कभी मेरी मोटर नहीं इस्तेमाल करते थे, और बड़े केयरफुल। कोई अगर उनके पहचान का आदमी सहज में आ रहा है तो कहता था नहीं ये चलने वाला नहीं, बेकार आदमी, अपने को बहुत समझता, इसका दिमाग ठीक करो। इस तरह से वो समझते थे। वो कहता ये जो आदमी अहंकारी होता है उसको कभी भी विनोद नहीं सूझ सकता, वो सबके पीछे हाथ धो के लगता है, सबको परेशान करता है। तो मैंने कहा तुम क्या करते हो, ऐसे आदमी का क्या हाल है? चले मैं उस पर ऐसे ऐसे किस्से सुनाता हूँ कि उसके बाद वो ठंडा ही हो जाता है। तो इस प्रकार उनकी बड़ी मदद रही मुझे, सहयोग में भी बड़ी मदद रही, बहुत काम किया उन्होंने। नागपुर में इतनी बड़ी एकेडमी निकाली, बहुत बड़ी बिल्डिंग, सब कुछ बड़ा अच्छा किया। फिर जो भी हो विधाता को वो टिके नहीं, वो रहने, जैसा भी परमात्मा की इच्छा, मैंने कहा जाने दो अब क्या कर सकते। मैं गई थी उनके पास, आपके समय भी उनके पास। उनके जाने से एक बड़ी भारी खाई हो गई जिंदगी में। वो मुझे जितना समझते थे कोई नहीं समझता था, जितना वो मुझे जानते थे कोई नहीं जानता था। बहुत मेरे सामने झुक के हर एक चीज को वो निवेदन करते थे। मैंने उनसे कहा कि हमेशा मेरे फादर कहते थे
कि भारतीय संगीत बहुत ऊंची चीज है, उसको सारी दुनिया में फैलाना चाहिए। नहीं तो प्रदेश में बेवकूफ लोग पता नहीं क्या क्या गाने बनाए, क्या क्या चीज बनाए। पर संभल के रहना, क्योंकि गाने वालों को जो अहंकार आ जाता है उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, और वो बात मैंने देखी बहुत। तो कहने इतना स्वर्गीय संगीत है, उसको बढ़ाना चाहिए। और यही बाबा मामा ने अपने दिमाग में बिठाया था कि मैं भारतीय संगीत का प्रचार करूं। इतनी हाल अपिष्टा उठाई उठे। एक बार रशिया गए थे, वहां से आते वक्त उनको वीजा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, पर पहुंच गए। और मुझे कहने बड़ा मजा आया। मैंने कहा मजा क्या आया, रात दिन परेशान रहे तू? उनका मजा ये आया कि सब में मजा ही था, बड़ा मजा आ रहा था मुझे। और पहुंच गया मैं, उसमें क्या पहुंचना तो था ही। मैं हैरान हो गई, इतनी परेशानियां हुई, एक भी शिकायत नहीं, कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे, किसी के खिलाफ नहीं, बस ये कहते थे कि उसको ग की बाधा हो गई, माने वो घमंडी हो गया, बस इससे आगे कभी नहीं। और सबको बड़े प्रेम से रखते थे, उनकी जितनी सहायता हमको सहज में हुई, ऐसी कोई भाग्य की बात है कि और नहीं इतनी सहायता। भाग्य में ऐसे भाई मिले, ऐसे आप सबको मिले, और ऐसे ही लोग आपको मिले जो आपके आदर्शों को पहचाने और जो आपकी हर चीज से मदद करे। ऐसे पिता मिले मुझे जो महान पुरुष थे। तो आज जो भी कार्य करना है हमारे पिता के आशीर्वाद से हम करें, बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनका। उन्होंने जो कुछ किया वो अपने चरित्र से हमें बहुत दिखा दिया। और किसी भी तरह की बेईमानी, किसी तरह का ओछापन, छोटी बातें कभी नहीं करते। अगर कोई शुरू करता था तो कहते थे मेरे कान ही बहरे हो गए, सुनते नहीं थे। ऐसे महान आदमी के साथ हम रहे, उनको कोई चीज का वो नहीं था कि मुझे बड़ी सत्ता मिलनी चाहिए, पोजीशन मिलनी चाहिए, कुछ। पर हमेशा मुझे कहते थे कि देश में हिंदुस्तानियों का राज आना चाहिए। वो गए थे हाई कोर्ट पे, उन्होंने जाकर के झंडा लगाया, बड़े बहादुर आदमी थे, तो गोली मारी तो गोली इनके माथे में लग गई, इधर आखिर तक निशान था, तो ऊपर से नीचे गिरे। हम लोग सब नीचे थे, गा रहे थे वंदे मातरम वंदे मातरम। तो कहा गाना मत रोको, मैं ठीक हूँ। उठ के बैठ गए, डॉक्टर लोग दौड़े, कहने अभिनंदन। उससे बाद उनको अस्पताल ले गए, वो गोली निकाली। अब अपने देश में उन्होंने वंदे मातरम बंद कर दिया। मेरी समझ नहीं है, हम लोग तो हर जगह वंदे मातरम ही गाते थे, तो उनको क्या शक हो गया वंदे मातरम पे। तो फिर मैंने हर एक इसमें मैं वंदे मातरम गवाते थे, हर एक भाषण में, हर एक प्रोग्राम में वंदे मातरम गवाते थे। फॉरेनर्स भी सीखे वंदे मातरम। जो आदमी अपने देश को नहीं प्यार कर सकता वो दुनिया में कोई भी चीज नहीं पा सकता। ये उनके हमें ये थी। कितने ही बार जेल में गए, कितना ही महान कार्य किया। मे गॉड ब्लेस यू।